पटेंगे तो पटे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। पटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं। तमाम सियासी मंच पर इन दिनों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ घूम घूम कर अपने इस बयान को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं कि बटेंगी तो कटेंगी, मतलब हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, इस बात के लिए सावधान कर रहे हैं कि बटना नहीं है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी के इस बयान के बड़े बड़े पोस्टर यूपी के हर छोटे बड़े शहरों और सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। इन पोस्टरों में योगी के कटेंगे और बटेंगे वाले बयान के साथ सीएम योगी की बड़ी सी तस्वीर भी लगी है। हालांकि विरोधी खेमे वाले इस बयान की अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी को इसी बयान पर घेर लिया है। बांटने की संभावना वही दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं बटेंगे तो, बटेंगे तो ना, तो बटेंगे इसका मतलब अभी एक है, बटने की संभावना है। तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है? उन कारणों को तो जनता के सामने रखो कि इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे भविष्यकाल की क्रिया है, ये भविष्य में संभावना की ओर इशारा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है अभी हम बटे नहीं है, लेकिन इसकी संभावना है तो हमें इसके पीछे के कारणों को खोजना होगा जिससे हम बट जाएंगे। बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो, ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण हैं जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और आरएसएस से सवाल पूछते हुए कहा कि आप अगर एकता लाना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? उन्होंने कहा कि देश बटेगा नहीं, इसका फॉर्मूला मैं देता हूं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए, गौ हत्या को अपराध घोषित कीजिए, फिर देश न बटेगा न कटेगा। आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है, ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है, इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली के दौरान कहा था, राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के इस बयान पर जमकर सियासी बवाल मच रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।